Hello everyone, welcome to the channel Study Acumen. Today we will discuss on the topic of commercial banks. Commercial banks and its functions. So commercial banks hota kya hai? Commercial banks are the financial institution which accept the deposits. And granting the loans for the purpose of consumption and investment. देखिए कमर्शियल बैंक दे एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक और जब एक्सेप्ट्स करते हैं डिपॉजिट्स को दे पेड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ग्रांटिंग द लोन्स और जब वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को तब क्या करते हैं दे गेट द rate of interest. Rate of interest that is granting on the loan is always higher than the rate of interest paid on deposits. तो हम इसको इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे rate of interest get and rate of interest paid. The difference is known as spread. Spread क्या होता है difference between the rate of interest get on loan minus rate of interest paid on deposits. So this spread is the source of profit. हम rate of interest जितना loan पे हम receive करते हैं और जितना pay करते हैं this difference is known as spread. So this is the commercial bank. Next topic is functions of commercial banks. Commercial banks perform mainly two type of functions, primary functions and secondary functions. Primary functions it includes accepting deposits, advancing loans, credit creation. तो accepting deposits में कौन कौन से deposits हम include करेंगे fixed deposits, saving deposits, current deposits, recurring deposits. Advancing loan में cash credit, overdraft, loans and advances, discounting bill of exchange. And third one is credit creation. How do the commercial banks do the credit creations? Secondary functions providing local facilities, dealing in foreign exchange, exchange of securities, bank as an agent. Or besides these functions, there are some modern functions. So we will study one by one these functions. First function is primary functions. Primary functions mein accepting deposits. So kon kon si deposits jo hai customer can deposits in the bank. First one is fixed deposits. When the amount is deposits for a fixed time, this is known as the fixed deposits. इसको हम time deposits भी कहते हैं और rate of interest higher होता है इस पे other than accounts. यदि आप before maturity withdraw कराते हो तो आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है और यू विल गेट द लेस अमाउंट. सेकेंड वन इज सेविंग डिपॉजिट्स अकाउंट. इस अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम होता है और आप जो इसके ट्रांजेक्शन्स होती है वो लिमिटेड होती है. आप इसके जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन्स नहीं करा सकते. यू हैव टू डू ओनली 3 or 4 ट्रांजेक्शन इन अ वीक. नेक्स्ट वन इज current deposits account. This account is always maintained by the businessman.
और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें जीरो होता है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। और इस अकाउंट में आपको एक मिनिमम लिमिट आपको रखनी पड़ती है, यदि आपका अकाउंट में उस मिनिमम अमाउंट से अमाउंट कम हो जाती है तो आपको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट वन इज रेकरिंग डिपॉजिट्स अमाउंट। इस अकाउंट में आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है यू हैव टू पे फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। जैसे आपने अमाउंट रखी है 5000 रुपीज, यू हैव टू पे एवरी मंथ फॉर ए 12 मंथ्स। इसको हम क्या बोलते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट। और उसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फिक्स डिपॉजिट से तो कम होता है लेकिन सेविंग डिपॉजिट से ज्यादा होता है। सो यू कैन डिपॉजिट योर अमाउंट इन द बैंक्स इन दीज वेज। प्राइमरी फंक्शंस का सेकेंड पॉइंट इज ग्रांटिंग लोन्स। द बैंक प्रोवाइड्स द लोन्स टू देयर क्लाइंट्स। तो बैंक्स किस किस फॉर्म में लोन प्रोवाइड करते हैं? फर्स्ट वन इज कैश क्रेडिट। बैंक प्रोवाइड्स द लोन्स इन द कैश लिमिट्स। बैंक लिमिट्स बना देते हैं एंड यू कैन विथड्रॉ अंडर दीज लिमिट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक ने आपको 2 लाख की लिमिट बना दिया, तो आप 2 लाख की 2 लाख को यू कैन विथड्रॉ इन 1 ईयर, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही चार्ज होता है जितनी अमाउंट आप विथड्रॉ कराते हो। सपोज कर लीजिए आपने 1 लाख रुपया विथड्रॉ करा है तो यू हैव टू पे द रेट ऑफ इंटरेस्ट ओनली ऑन 1 लाख रुपीज, नॉट ऑन 2 लाख रुपीज, बिकॉज दिस इज द बैंक लिमिट। सेकेंड वन इज ओवरड्राफ्ट। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट टू देयर क्लाइंट्स। जैसे यदि आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज है एंड यू नीड 55,000, लेकिन ये फैसिलिटी जो होती है ये सिर्फ करंट अकाउंट पे होती है। जिन बिजनेसमैन का करंट अकाउंट ओपन होता है, दिस फैसिलिटी इज गिवन ओनली ऑन दोज क्लाइंट्स। तो इस केस में क्या है, यू कैन विथड्रॉ 55,000 रुपीज। दिस इज द इजिएस्ट मेथड ऑफ गेटिंग लोन्स। तो और ये फैसिलिटीज सिर्फ लॉयल कस्टमर्स को ही प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट वन इज लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स द लोन्स फॉर शॉर्ट पीरियड, मीडियम पीरियड्स एंड लॉन्ग पीरियड्स। इसमें हमारे कौन कौन से लोन आ जाते हैं, होम लोन, कार लोन, अदर्स लोन्स। इन लोन्स के लिए आपको जितनी भी बैंक की फॉर्मेलिटीज है उनको कंप्लीट करना पड़ता है और यू हैव टू कीप सम सिक्योरिटीज अगेंस्ट दीज लोन्स। यदि आप इन लोन्स को नहीं पे कर पाते तो बैंक जो है आपके ऑप्शन पे आपकी सिक्योरिटीज को लगाकर ही कैन रीइंबर्स द अमाउंट। तो दीज आर द लोन्स जो है प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स टू द पब्लिक। नेक्स्ट वन इज डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, यदि सपोज कर लीजिए ए बी को 5000 की गुड्स सोल्ड करता है और बी के पास पैसे नहीं है, तो ए क्या करेगा, बी को ऊपर एक पेपर लिख देगा जिसको हम बोलते हैं एक्नोलेजमेंट ऑफ डेट, कि आपको 5000 रुपए 1 साल के बाद जो है यू हैव टू पे। इसको हम क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। यदि सपोज कर लीजिए कि ए को इमीडिएटली पैसे की जरूरत पड़ जाती है और बी को आपने कितने साल का टाइम दिया हुआ, 1 ईयर का, तो आप क्या करेगा, ए क्या करेगा, बैंक के पास चला जाएगा, बैंक आपके बिल पे आप कुछ कमीशन लेके बैंक आपको 5000 रुपए से कम अमाउंट लाइक 4500 रुपीज जो है बैंक विल पे ऑन द बिहाफ ऑफ बी टू ए। तो उसके बाद आफ्टर मैच्योरिटी बी विल पे टू द बैंक। तो दिस इज नोन एज द डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बैंक जो है दिस ऑल्सो गिव द लोन इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ ग्रांटिंग लोन्स बाय द बैंक्स टू द पब्लिक। प्राइमरी फंक्शंस का नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट क्रिएशन। कमर्शियल बैंक्स कैसे क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, कैसे बैंक्स में पैसे जमा करा के
बैंक आगे कैसे लोन में देते हैं और हाउ डू बैंक्स क्रिएट क्रेडिट क्रिएशन. तो देयर इज ए प्रोसेस. जैसे सपोज कर लीजिए एक पर्सन बैंक में 1000 रुपए जमा कराता है. 1000 रुपए जमा कराने पे बैंक की ये पॉलिसी होती है कि बैंक कुछ अमाउंट जो है कैश रिजर्व रखकर बाकी अमाउंट एज ए लोन अदर पर्सन को दे देता है. तो जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो जो है 20% है. इसको हम लीगल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि लीगली बाउंड होता है बैंक अपने पास रिजर्व में रखने के लिए. तो 1000 का 20% कितना हो गया? 200 रुपीज बैंक अपने पास रखकर 800 रुपीज एज ए लोन टू द अदर पर्सन. दूसरे पर्सन को सपोज कर लीजिए उसने लोन जो है एक्स पर्सन को दिया है. तो बैंक जो है ये लोन जो है कैश में नहीं देता, उसके नाम अकाउंट ओपन कर देता है और जिसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स अकाउंट. जब भी उसको जरूरत पड़ती है तो वो उस अकाउंट में से पैसे को विड्रॉ करा सकता है. सपोज कर लीजिए उसके पास चेक आ जाता है डिमांड डिपॉजिट, इसने एक्स ने वाई की पेमेंट करनी है 800 रुपीज. तो उसने क्या किया, ये वाई को 800 रुपीज का चेक दे दिया. अब ये किसके नाम हो गया? वाई के लिए. अब वाई क्या करेगा चेक का? उसको बैंक में तो जाना ही पड़ेगा. वो बैंक में गया, ही डिपॉजिट. सपोज कर लीजिए उसका अकाउंट सेम बैंक में ना होकर दूसरे बैंक में है, बी बैंक में है. उसने 800 रुपीज बैंक में जमा करा दिया. तो बैंक में 800 रुपीज जमा कराने पर बैंक की फिर पॉलिसी है, बैंक क्या करता है कुछ अमाउंट अपने पास कैश में रख के बाकी अमाउंट जो है फर्दर लोन में दे देता है. तो बैंक ने क्या किया, 20% अपने पास रखा, 160, 640 जो है किसी जेड पर्सन को दे दिया. अब जेड पर्सन को जो है 640 रुपीज दिया. तो जेड पर्सन ने आगे किसी की पेमेंट करनी है या उसने बैंक से ही अमाउंट विड्रॉ करानी है, तो वो क्या करेगा, जेड किसके पास जाएगा, दोबारा ए पर्सन को जेड ने दे दिया. अब ए पर्सन जो है दोबारा चेक लेके कहां गया, बैंक में. तो बैंक में क्या आ गया, 640 रुपीज. तो बैंक क्या करेगा, फिर अपने पास 20% कैश रखते बाकी अमाउंट जो है ए पर्सन को दे देगा, बी पर्सन को दे देगा. अब बी पर्सन ने आगे सी पर्सन की पेमेंट करनी है, तो फिर वो चेक क्या हुआ, बैंक में चला गया. वो कितने का हुआ, 512 का. तो इस तरीके से ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक हमारा इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई बाय 1/LRR. जैसे सपोज कर लीजिए इनिशियल डिपॉजिट्स कितनी है, 1000, और LRR कितना है, 20%. 1/5 जब तक ये अमाउंट 5000 रुपीज नहीं होती. तो इस तरीके से दिस इज नोन एज प्राइमरी डिपॉजिट्स, क्योंकि ये पहली डिपॉजिट्स होती है. और ये सारी के सारी क्या होती है, ये जो अदर प्राइमरी जो पहली डिपॉजिट्स है दिस इज प्राइमरी डिपॉजिट्स, और अदर डिपॉजिट्स है दिस इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट्स और डेरिवेटिव. और ये SLR, ये KCRR और LRR बैंक कैसे डिसाइड करता है, इट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस रिक्वायरमेंट. सो दिस इन दिस वे जो है बैंक डू द क्रेडिट क्रिएशन. सेकेंड वन इज सेकेंडरी फंक्शंस. बैंक ऑल्सो परफॉर्म अदर देन बैंक डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स. तो कौन कौन से सेकेंडरी फंक्शन जो है, इट हैज बीन परफॉर्म्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइडिंग लोकल फैसिलिटीज. बैंक्स प्रोवाइड्स द लोकल फैसिलिटीज टू देयर कस्टमर्स. तो आप उसमें लोकल में आप अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स और कुछ पैसे FDs वगैरह जो है आप अपने लोकल में रख सकते हो. उसके लिए जो है बैंक लोकल चार्जेस जो है आपसे कलेक्ट करती है. सेकेंड पॉइंट इज डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज. कुछ कमर्शियल बैंक जो है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में फॉरेन करेंसी भी प्रोवाइड करते हैं. जैसे आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो, आपके पास फॉरेन करेंसी उस कंट्री की नहीं है, तो इट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द सम कमर्शियल बैंक्स. लाइक प्राइवेट बैंक्स भी है, जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, दे प्रोवाइड द फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी.
नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज. बैंक क्या करते हैं, आपको सिक्योरिटीज भी प्रोवाइड करते हैं लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स. तो आपको सिक्योरिटीज भी प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज बैंक एज एन एजेंट. बैंक एजेंट के रूप में भी करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए काम, जैसे एक्टिव एज एन ट्रस्टी. बैंक आपको, यदि आपको कहीं पे भी कोई लोन के लिए अप्लाई, आउटसाइडर अप्लाई करना होता है या किसी के साथ पार्टनरशिप करनी होती है, तो बैंक जो है एज ए ट्रस्टी आपको बता देते हैं कि इस क्लाइंट की जो है बैंक के साथ कैसी डीलिंग है. नेक्स्ट पॉइंट इज सर्विंग एज ए प्लेटफॉर्म टू पे प्रीमियम. बैंक जो है आप प्रीमियम भी पे कर देते हैं, जैसे आपने LIC की कोई LIC की किस्त ली हुई है, तो इट हैज बीन पेड बाय द बैंक्स टू द LIC डायरेक्टली. नेक्स्ट पॉइंट रिपे लोन इंस्टॉलमेंट. रिपे लोन की इंस्टॉलमेंट जो है ये भी बैंक आपका पे कर देता है, आपको बार बार जो है बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती. नेक्स्ट पॉइंट असिस्टिंग कस्टमर्स विद टैक्स रिटर्न, टैक्स रिफंड एक्सेट्रा. ये भी जो है, ये सारे के सारे जो है बैंक जो है एक्ट एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट. सो दीज आर द सेकेंडरी फंक्शंस विच हैज बीन परफॉर्म्ड बाय द बैंक्स फॉर देयर क्लाइंट्स. बिसाइड्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस, कॉमर्शियल बैंक्स ऑल्सो परफॉर्म सम मॉडर्न फंक्शंस, जिसको हम ई फंक्शंस बोलते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इश्यूज डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड. ये पब्लिक को डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और इट ऑल्सो प्रोवाइड 24 आवर्स फैसिलिटी ऑफ पेमेंट थ्रू ATM. नेक्स्ट इज ट्रांसफरिंग बैंक डिपॉजिट्स बिटवीन इंडिविजुअल और कंपनीज. ये जो है हम ट्रांसफर जो है अमाउंट जो है ट्रांसफर कर सकते हैं 24 आवर्स भी कर सकते हैं, और जो है बिना 24 आवर्स के भी कर सकते हैं. तो कौन कौन से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइक NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. इसमें हम एक ट्रांजेक्शन जो है मैक्सिमम 50,000 रुपीज की कर सकते हैं, और ये फैसिलिटी जो है आपको 24/7 hours जो है प्रोवाइड 24 hours and 7 days जो है प्रोवाइड नहीं होती. नेक्स्ट है RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. इसमें मैक्सिमम लिमिट हम 2 lakh rupees की जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. मिनिमम और मैक्सिमम के लिए हमारी कोई भी लिमिट नहीं होती. नेक्स्ट है IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस. ये जो है आपको 24 hours and 7 days फैसिलिटी प्रोवाइड होती है. इट इंक्लूड्स डिजिटल वॉलेट्स, वॉचर्स एक्सेट्रा. सो दीज आर द मॉडर्न फंक्शंस परफॉर्म बाय द कमर्शियल बैंक्स. नाउ दिस टॉपिक इज फिनिश्ड. फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.